हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग जैसा कि देख रहे हो, ये जो है दाल चावल बन रहा है और ये वीडियो जो है रात की है। मैंने वीडियो जो है थोड़ी सी रात को बना ली थी। मैं चाहती थी पूरी वीडियो जो है रात को बना लूँ और मैं सुबह सुबह जो है उसको अपलोड कर दूँगी, या हो सकता है मैं रात में अपलोड कर दूँ, क्योंकि उसी समय मैं करना चाहती थी। बट मेरा जो डेटा था वो ख़त्म हो चुका था और अभी जो है सुबह हो चुकी है, देखिए। और ये सुबह सुबह नल आया था तो मैंने पानी भरा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, पानी भरा था मैंने और यहाँ पे जो है किट्टू मस्ती कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रात को जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि डेटा ख़त्म हो चुका था, और मैं सोच रही थी 2 बजे जो है मैं रात को जो है दोबारा से डेटा ऑन होगा तो मैं उस समय जो है मैं अपलोड कर दूंगी। बट मेरे को जो है ना बहुत जो है आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था आँखों में। पता नहीं, कल हम लोग जब गाड़ी से आ रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल गए थे किट्टू को टीका लगाने, तो पता नहीं आँख में मेरे क्या चला गया था, कुछ कीड़ा वगैरह। तो जब से मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जो है ना जलन हो रही थी, तो रात में कुछ ज़्यादा ही जलन होने लगी और रात को जो है मेरी आँखें जो है ना सूज गई थी, और सुबह सुबह तो मेरी आँखें बहुत ज़्यादा जो है ना लाल हो गई थी। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ में, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर ये देखिए, मैंने सुबह दोबारा से जो है थोड़ी बहुत वीडियो जो है मैंने दोबारा बनाई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किट्टू मस्ती कर रही है। ये देखिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की जो मॉर्निंग है वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ख़राब है, क्योंकि मेरी आँख, आपको देख सकते हो मेरी आँख अभी तो कम हो गई है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो है लाल थी। पता नहीं कुछ जो है कीड़ा वगैरह कुछ आँख में चला गया था मेरे सोते टाइम पे, तो ना वो बहुत ज़्यादा जो है दुख रहा है, आँख अभी भी दुख रही है मेरी बहुत ज़्यादा। और बहुत जो सुबह ना बहुत लाल हो चुकी थी, अभी तो फिर भी ठीक है। और जैसा कि टॉपिक पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, इससे पहले जो मैं आपको बता दूं, कल मैंने जो है वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि कल जो है दिन भर मैं जो थी वो बिज़ी थी। बिज़ी ऐसे थी कि सुबह उठी, घर का काम वगैरह किया, उसके बाद जो है हम किट्टू को लेके गए थे हॉस्पिटल। तो आप लोग सोचेंगे कि हॉस्पिटल हम लोग क्यों लेके गए थे, तो हॉस्पिटल से ही लेके गए थे क्योंकि उसको लगे थे 9 महीने के, जो 9 महीने के हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद जो टीके लगते हैं उस टीके के लिए हम लोग गए थे। उसको 2 टीके कल लगे हैं और सरकारी हॉस्पिटल ही है जहाँ पे किट्टू हुई थी, वहीं पे हम लोग लेके गए थे। तो वहीं पे जो है वो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों को टाइम हो गया था वहाँ पे। तो वहीं पे बैठ के जो है थोड़ा थोड़ा जो है मैंने मोबाइल जो है ऑन किया था, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट जो मेरे वीडियो पे आए थे उनके रिप्ले का जवाब दिया है, रिप्ले किया है। और जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनके वीडियोज़ पर मैंने कमेंट वगैरह किया था, तो मैंने वहीं पर किया था। इसके अलावा मुझे वहाँ पर एक और काम था, वो काम ये था कि जो इसके पापा हैं किट्टू के, उनके जो है दांत में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ दे रही थी। 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हो रही थी उनको, लेकिन वो घर पे जो है ना, मतलब घर पे ही अपना जो इलाज है वो करे जा रहे थे, मतलब घरेलू जो उपाय होता है वो करे जा रहे थे। उससे पहले भी जो है तकलीफ़ होती थी उन्हें, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो दिखा देते हैं। तो वहीं पे तो हम लोग जो है वहीं पे गए थे, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले तो लाइन में लगे, फिर फॉर्म लिया हमने, उसके लिए अलग से फॉर्म लिया, फिर हम अलग डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे भी भीड़ थी, फिर वहाँ पे भी हमको टाइम लग गया। उसके बाद फिर चेक कराया, उन्होंने कहा कि आपको अगर दांत ख़राब हो चुका है, अगर निकलवाना है तो कल आके सुगर टेस्ट करवाना, तो आज उनने बोला है। पर फिर से वही लाइन में लगो, ये करो वो करो, तो वो कहने लगे नहीं रहने, तो इससे अच्छा मैं जाके वो प्राइवेट में ही निकलवा लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, आप जाके सरकारी में ही करवा लो, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं ना, पहले तो वो अपना फीस, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा पैसे और भी जो है वो ले लेते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारे पैसे जो है ले लेते हैं। और अभी जो है इतनी इनकम हमारी नहीं है, मतलब इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो मैंने कहा है ठीक है, अगर कम होता हो तो चले जाना, और इसलिए नहीं तो देखेंगे फिर हम कल जाएंगे, हम यहीं जाएंगे जहाँ किट्टू का इलाज हुआ था। अच्छा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गरीबों के लिए, बहुत ही सरकार ने जो है बहुत सारी सुविधाएं करी हैं हॉस्पिटल्स में, तो गरीबों को बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत सारी फ़ायदा वहाँ से मिल जाती है। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। आप लोग सोचेंगे मैं कहाँ की बातें करने लगी हूँ, तो मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो बट मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी हो रही है, क्योंकि जो यूट्यूबर जिनको मैं बहुत ज़्यादा जो पसंद करती हूँ और जिनकी वीडियो जो है मैं बहुत टाइम से, शादी से पहले से देखते चली आ रही हूँ, उनकी वीडियो जो है मैंने टीवी पे देखी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि मेरे घर में जो है टाटा स्काई लगा हुआ है, मतलब मेरे मायके में, तो वहाँ पे मैंने नहीं देखा था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे नहीं रहती थी, मैं काम वगैरह करती थी, आपको पता ही है।
तो इसलिए मैं नहीं रहती थी घर पे, तो मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती थी, बस मैं मोबाइल रहता था। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ पे मैंने जब आई हूँ तो यहाँ पे भी जो पहले वाला जो केबल था, मतलब हमारे यहाँ जो है डिस्क लगी हुई है, केबल अगर आप जानते होंगे, केबल जो होती है वो लगी हुई है, तो उस पे ना पहले वाला जो था सेटअप बॉक्स था उस पे मैंने नहीं देखा था। पर अभी जो नया एक सेटअप बॉक्स आया है उस पे क्या है ना, चैनल जो है चेंज हो गए हैं, EMT करके है, EMT SR स्टाइल करके जो चैनल है उस पे जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो जो है दिखाई जाती है। तो मैंने जो है 2-3 यूट्यूबर जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनकी मैंने वीडियोस देखी है, और ऐसा नहीं कि एक बार नहीं, पर डे जो है उनके दिन में कम से कम 3 या 4 बार जो है वीडियो मैं देखती हूँ। तो मैं पता आजकल क्या कर रही हूँ, दिन भर जो है ना मैं 3-4 दिनों से जो मैंने पहली बार जो देखा उसके बाद मैं 3-4 दिनों से वही देखे चली जा रही हूँ, देखे चल, मतलब जैसे ही मैं बैठती हूँ तो मैं चालू कर लेती हूँ, तो पता मैं देखती रहती हूँ। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने कहा अरे यार वाह कि मतलब यूट्यूब से ज्वाइन किया, आज TV पे उनका खुद का एक पर्सनल चैनल मतलब जो है बनाया गया है और यूट्यूबर्स को दिखाया जा रहा है, उनका जो टैलेंट है, जो उनका आर्ट है वो दिखाया जा रहा है। तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, और मैं बहुत टाइम से जो है ना मतलब ऐसा कुछ जो चाहती थी मैं कि TV पे जो ऐसे चैनल आते थे, बट मैंने यूट्यूबर्स को जो है जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनको मैंने पहली बार देखा TV पे, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ, बट एक यूट्यूबर है जिनको मैं बहुत ज़्यादा जो है हद से ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनको मैं TV पे देखना चाहती हूँ, वो है प्रियादीप। और प्रियादीप जो दी है, एक एक वीडियो आया था उससे पहले जो प्रियादीप दीदी जैसी ही लग रही थी, बट वो नहीं थी, वो कोई और थी, पर मुझे बहुत नाम नहीं बताते हैं वो, बट वीडियो लगातार दिखाते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी जो है मुझे हुई देख के वीडियो। और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी जो है उसमें प्रियादीप भी का वीडियो भी ऐड होने वाला है, बहुत जल्दी प्रियादीप भी हमें नज़र आने वाली है TV पे, तो मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके अलावा जो और भी यूट्यूबर है जैसे कि फेस स्टाइल बोल दूँ या और भी है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, जल्दी से जो है ना वीडियो आनी चाहिए उनकी भी। और आपको जैसे कि मैंने अभी दिखाई दिया कि कौन से चैनल पे आ रहा है, अगर आपके यहाँ केबल लगा है तो आप लोग देख सकते हो, या आप लोग चाहो तो मोबाइल में भी एक बार सर्च कर सकते हो, अभी तक तो मैंने सर्च नहीं किया, पर आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, और आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को देखोगे तो कितनी बड़ी खुशी की बात है ये, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के उनको। तो आज का वीडियो जो था मैंने छोटा सा ही बनाया था, इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपके यहाँ केबल लगा तो गारंटी आप देख सकते हो। 112 पे है चैनल, 112 पे आ रहा है, EMT केबल जो है नया लगा हुआ है सेटअप बॉक्स उस पे जो है दिखाया जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। और आप लोग देखिए, आपको भी जो है बहुत मज़ेदार जो है मज़ा आने वाला है आप लोगों को देख के, और मैं डेली देखूंगी। और मुझे ऐसा लगता है प्रियादीप का भी जो है उनका भी ब्लॉग जो है जो उनका वीडियो है ना मेकअप का वीडियो, वो भी बहुत जल्द जो है मुझे देखने को मिलेगा, इसलिए मैं पर डे देखने लगी हूँ आजकल, पर डे देखती हूँ कि शायद एक वीडियो तो उनकी आ जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आने वाली है, और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं प्रियादीप जी से कहूँगी यदि आप और भी ज़्यादा ना इतनी अच्छी बेस्ट बेस्ट वीडियो बनाइए जिससे कि आप जल्दी से हमें TV पर देखने को मिलो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर को आप हद से ज़्यादा पसंद करते हो वो अगर आपको TV पे दिख जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अरे इनको तो मैं फॉलो कर रही हूँ, अरे ये तो TV पे आ गई, इस तरह से खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा। अपने आप को किसी को बताओ तो अच्छा लगता है कि हाँ देखो जिनको हम फॉलो करते हैं वो TV पे आ रहे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। Here is the compact that's also by Bourjois, so I'm gonna apply it all over my face to get that matte skin. तो गाइज आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, और इनका जो यूट्यूब पे जो चैनल का नाम है वो है वी योर सेल्फ चैनल, ऐसा करके इनका जो नाम है, और मैं इनको बहुत पहले से जो है फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग इनका वीडियो जो है ना TV पर देख सकते हो, इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स हैं जिनका वीडियो जो आता है, बट उस टाइम पर मैंने एक ही वीडियो जो है बनाई थी क्योंकि इनकी वीडियो लगातार जो 3-4 आई थी, और उसके बाद मैं दूसरे काम में जो है लग गई थी, तो मैं वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, और मैं TV मैंने जो है बंद कर दिया था, तो इस वजह से क्योंकि घर इसी वजह से जो है मैं वीडियो जो है दोबारा से नहीं बना पाई थी। तो गाइज ये जो वीडियो है आज का इसी टॉपिक पर था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर गाइज आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय बाय।